अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे SSD हार्ड ड्राइव। SSD हार्ड ड्राइव के कौन कौन से मॉडल इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं और आपके लिए कौन से बेस्ट हैं, क्योंकि जब आप लोग मार्केट से लेने जाते हैं हार्ड ड्राइव, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको पुरानी हार्ड ड्राइव के बारे में बता देता हूँ कि उसमें और ये SSD टेक्नोलॉजी में डिफरेंट क्या है। जो पुरानी हमारी हार्ड ड्राइव थी वो मैकेनिकल मशीन के थ्रू जो है डाटा रीडायरेक्ट करती थी, और जो नई है SSD टेक्नोलॉजी, ये लाइक अ फ्लैश मदरबोर्ड, जैसे USB हमारी आई थी, सेम उसी तरह इसका डाटा जो है रीडायरेक्ट करता है। तो इसकी स्पीड में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे कि हमारी पुरानी हार्ड ड्राइव में जो नॉर्मल स्पीड होती थी 100 MB/s थी, और जो नई टेक्नोलॉजी SSD है जो मार्केट में बड़ी देर से अवेलेबल है, इसके डिफरेंट मॉडल भी अवेलेबल हैं। जो पहली है मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये वाली है, इसका स्पीड 600 MB/s है। तो इसके बाद दोस्तों मैं आपको M2 SATA SSD के बारे में बताता हूँ। इसमें और ये जो M2 है इसमें डिफरेंट ये है कि इसका इंटरफेस चेंज है, बाकी ये बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप के लिए यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको ये वाली रेकमेंड करूँगा कि आप ये वाली यूज़ करें। अगर आपको नोटबुक के लिए यूज़ करनी है तो फिर ये वाली बेस्ट है, M2 SATA SSD। इसमें स्पीड का कोई डिफरेंट नहीं है, तकरीबन सेम है, सिर्फ इंटरफेस चेंज है। लेकिन ये वाली जो M2 SATA SSD है, ये नॉर्मल SATA से थोड़ी सी महंगी है, लेकिन परफॉर्मेंस दोनों की सेम है। तो दोस्तों उसके बाद जो अभी जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जो इसके बाद मॉडल आया है M2 NVMe PC Express SSD। ये वाली हार्ड ड्राइव जो है, ये जो इसका प्रोटोकॉल है वो NVMe है इसका प्रोटोकॉल, जैसे कि पुरानी हार्ड ड्राइव का था ACHI। सो इसका प्रोटोकॉल चेंज है, इसकी स्लॉट चेंज है। ये जो नई वाली M2 NVMe है, इसका जो स्लॉट है वो Gen 2x4 है। आप अगर ये वाली हार्ड ड्राइव M2 NVMe लेना चाहते हैं तो पहले प्लीज़ आप चेक कर लें अपने नोटबुक में या जहाँ भी आप उसको यूज़ करना चाहते हैं कि वहाँ पे स्लॉट जो है PC Express Gen 3.4 अवेलेबल है, और आपकी BIOS में वो प्रोटोकॉल जो है वो सपोर्ट कर रहा है, और वो प्रोटोकॉल है NVMe। तो ये दोस्तों आपको लाजमी बता होना चाहिए। और इस ये जो इसकी जो स्पीड है, जैसे कि हम मैंने आपको M2 SATA का बताया है, उसकी स्पीड 600 MB/s है। और दोस्तों इस जो नई वाली M2 NVMe है, इसकी स्पीड तकरीबन 3 GB यानी 3000 MB/s है। ये बहुत फास्ट है। अगर आपके पास आपके जो आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या नोटबुक यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल है तो यू आर रियली एंजॉय विद दिस हार्ड डिस्क। सो होपफुली यू अंडरस्टैंड। मेरी कोशिश होती है कि थोड़े वक्त में आपको अच्छे से समझा सकूं। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी कि कौन सी हार्ड ड्राइव आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।